हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पेड़ पौधों पर अक्सर वीडियो बनाती रहती हूं और आज की वीडियो में मैं आपको स्पाइडर प्लांट के बारे में बताऊंगी। अक्सर घरों में आपने स्पाइडर प्लांट लगा देखा होगा, लेकिन कई बार इसकी पूरी जानकारी न होने के कारण पौधों का सही फल नहीं ले पाते हैं। वास्तव में इसे मनी प्लांट से भी ज़्यादा असरदार पौधा बताया गया है। स्पाइडर प्लांट को लेकर के वास्तु जानकारों का कहना है कि अगर इसे घर में सही जगह पर सही दिशा में लगाया जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्पाइडर प्लांट को किस दिशा में लगाना चाहिए, इसको घर में लगाने से कौन से फ़ायदे होते हैं और इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक ख़ास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी चीज़ सकारात्मक परिणाम तभी देती है जब उसे सही दिशा और सही जगह पर रखा जाए। वास्तु के अनुसार जो ये प्लांट हैं, वो पेड़ पौधे हैं, इनको भी घर के उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में रखना शुभ फलदायी होता है। अगर इसे आपने ऑफिस या किसी कार्यालय में रखते हैं तो इसे अपनी मेज पर रखना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्पाइडर प्लांट की। तो आप इसको इन दिशाओं में रख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कि अगर आप घर में रखते हैं या ऑफिस में रखते हैं तो उत्तर या फिर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में ये पौधे रखने चाहिए। इसके अलावा वास्तु जानकारों का कहना है कि घर में पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखने और नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए स्पाइडर प्लांट को सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन घर के लिविंग रूम, किचन और बालकनी और स्टडी रूम में इसे लगाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि अगर आपने घर में स्पाइडर प्लांट लगाया है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने भी घर पर स्पाइडर प्लांट लगाया है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे गलती से भी सूखने ना दें। इसके सूखने पर इसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए और इसके स्थान पर नया पौधा लगा देना चाहिए। घर के दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में स्पाइडर प्लांट लगाना ठीक नहीं होता है, इसलिए इसे उचित दिशा में लगाकर ही शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। वास्तु जानकारों का कहना है कि घर में स्पाइडर प्लांट लगाने से घर में तनाव का हार्मोन कम होता है, इससे व्यक्ति तनाव और डिप्रेशन से दूर रहता है। इतना ही नहीं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और इसे सही जगह पर रखने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने घर में पौधों के कम समय तक चलने की समस्या से परेशान हैं तो स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो आपकी अपेक्षा के अनुकूल तेजी से पनपता है। ये आसानी से कई जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल भी हो सकता है। ये एक बहुत ही आसानी से उगने वाला हाउस प्लांट है और इसके लिए ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग की समस्याएं की गलतियों को भी ध्यान में रखना जरूरी नहीं होता है। ये कम रोशनी और आंशिक सूर्य के प्रकाश में बढ़ता है। हालांकि इसे उज्जवल
अप्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश वाली जगह पर ही रखने का सुझाव दिया जाता है। पौधे मनुष्यों के लिए सांस लेने के आवास में सुधार करते हैं और स्पाइडर प्लांट इसका अपवाद नहीं है। सरल तथ्य में ये समझना आसान है कि पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और हम इसका उपभोग करते हैं, तो अपने कार्यस्थल पर, घर पर स्पाइडर प्लांट को जरूर रखिएगा। ये इंडोर ऑक्सीजन को भी, मतलब इंडोर ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। और स्पाइडर प्लांट की कई तरह की वैरायटी होती हैं, लेकिन आप किसी भी तरह का लगाएं, लेकिन स्पाइडर प्लांट कैसा भी हो, ये अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करता है और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आप भी घर में स्पाइडर प्लांट जरूर लगा लीजिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।